गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू गर्ल्स इन क्लास। देखिए गर्ल्स, हम लोग प्रजामंडल आंदोलन पढ़ रहे थे। प्रजामंडल आंदोलन की किस तरह अंग्रेजों और देशी रियासतों ने मिलकर जो संगठन बना रखा था, उसके खिलाफ प्रजा ने भी संगठित होकर अपने अधिकारों की मांग की और अपने ऊपर जो शोषण हो रहे थे उनके खिलाफ आवाज उठाई। तो जब ये प्रजा संगठित हो गई, तो संगठित होकर इन्होंने जो आंदोलन चलाया उसे ही प्रजामंडल आंदोलन कहा गया था। ठीक है, तो हम राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलनों की बात कर रहे थे। तो इस कड़ी में हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया था बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, तो हम लोगों ने बीकानेर के प्रमुख राजाओं में महाराजा गंगा सिंह के बारे में पढ़ा था कि बीकानेर के आधुनिक काल के प्रमुख राजा महाराजा गंगा सिंह, जिन्होंने बीकानेर में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस तरह गंग नहर का निर्माण करवाया और बीकानेर में उन्होंने कार्यपालिका व्यवस्थापिका और हाई कोर्ट स्थापित की। और उन्होंने मतलब वो ये जताना चाहते थे कि मैं अपने जनता के अधिकारों के प्रति सतर्क हूँ, है ना। तो लेकिन जो वास्तविकता थी वो कुछ और ही थी। ठीक है, जनता को वास्तविक अधिकार नहीं दिए गए थे और जब भी जनता संगठित होने का प्रयास करती थी तो शासक बीकानेर का उसे साम दाम दंड भेद सारी तरह की नीति अपनाकर उसका दमन करने का प्रयास करता था। ठीक है, लेकिन वास्तविकता का दुनिया को कुछ भी पता नहीं था, अन्य रियासतों को कुछ भी पता नहीं था। ठीक है, तो अब क्या हुआ था, 1931 की बात है। बीकानेर के कुछ लोगों ने 1931 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की बैठकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 1931 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की बैठकों में बीकानेर के कुछ लोगों ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया और उन लोगों ने पत्र पत्रिकाओं में बीकानेर शासन व्यवस्था पर लेख लिखे कि वास्तव में जो बीकानेर की जो शासन व्यवस्था थी जिससे दुनिया क्या थी, अनभिज्ञ थी। दुनिया के सामने तो एक वो महाराजा गंगा सिंह ने एक पर्दा सा डाल रखा था, उससे क्या थी दुनिया, अनभिज्ञ थी, अपनी रियासतें अनभिज्ञ थी। तो इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बीकानेर शासन व्यवस्था पर लेख लिखे गए। ठीक है, जब ये लेख लिखे गए जिससे बीकानेर का शासन क्या हो गया, महाराजा गंगा सिंह विचलित हो उठा और उसने इसका दमन करने का और वहां की जनता को, जो कि भारतीय देशी रियासतों में हिस्सा लेते थे, वहां के लोगों का एक तो दमन करने का और उनको सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। ठीक है, तो कई बार छोटा क्वेश्चन भी इसमें पूछ लिया जाता है। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1930 और 31 में बीकानेर में सरल हितधारक सभा की स्थापना की गई। ठीक है, तो कोई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है, बीकानेर में सरल हितधारक सभा की स्थापना कब हुई, 1930 और 31 में। ठीक है, तो इस सभाओं में क्या किया गया, पाठशालाएं स्थापित की गई और इस सभा में जो पाठशालाएं स्थापित की गई लड़के और लड़कियों दोनों के लिए पाठशाला स्थापित की गई और इसके माध्यम से उन्होंने क्या मांग की इस सर्वहितकारी सभा के माध्यम से कि बीकानेर राज्य में शिक्षा का प्रसार किया जाए और उन्होंने क्या कहा कि हमें स्वच्छ शासन दिया जाए, अच्छा शासन दिया जाए, हमारा शोषण ना किया जाए। ठीक है, तो ये जो पाठशाला स्थापित की लड़के लड़कियों के लिए, इसमें शिक्षा का प्रसार और स्वच्छ शासन की मांग की गई। ठीक है, जब ये मांग हुई तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह क्या हो गए, विचलित हो उठे और जब वो विचलित हो उठे तो उन्होंने इनके खिलाफ कार्यवाही की और क्या किया, महाराजा गंगा सिंह को कुछ एक लोगों पर संदेह हुआ कि ये कुछ एक व्यक्ति हैं जो इस तरह की व्यवस्था पैदा कर रहे हैं। तो महाराजा गंगा सिंह ने संदेह मतलब शक के आधार पर 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, और
हाँ, और उन पर मुकदमा चलाया गया। ये मुकदमा 2 साल तक चला, ठीक है। जब तक ये 2 साल तक ये मुकदमा चला, जो जिन पर ये आरोप लगाया गया था उनके साथ जेल में खूब मार पीट की गई, ठीक है। 2 साल तक क्या है मुकदमा चलता रहा, और ये जो व्यक्ति थे इनको 3-3 साल की सजा सुनाई गई, ठीक है। और ये जो कांड हुआ था बीकानेर में, इसी को बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है, बीकानेर षड्यंत्र केस कौन सा था, तो यही बीकानेर षड्यंत्र केस था। 2 साल तक मुकदमा चला, 2 साल तक जिन अभियुक्तों पर मुकदमा चला उनके साथ खूब मारपीट हुई जेल में, और उनको सजा मिली 3-3 साल की सजा मिली, ठीक है। तो 3-3 साल की सजा मिली, और सजा के पश्चात 1936 में सजा से मुक्त हुए। सजा भुगत ली, सजा भुगतने के बाद जेल से रिहा हो रहे हैं कौन, सत्यनारायण, ठीक है। तो 1936 में सत्यनारायण पर ये आरोप लगा, जेल से मुक्त हुए, ठीक है। जेल से मुक्त होते इन पर क्या आरोप लगा, सत्यनारायण पर आरोप लगा कि उन्होंने 2 और व्यक्ति इनके साथ ही कौन कौन से हैं, गंगाराम वैद और लक्ष्मीदास के साथ मिलकर प्रजा मंडल की स्थापना की है, ठीक है। इन पर क्या लगा, आरोप लगाया, ठीक है। और इन्हीं की एक वकालत करने वाला इन्हीं का एक छोटा साथी था मुक्ता प्रसाद, ठीक है। इन्हीं की वकालत करने वाले मुक्ता प्रसाद को क्या किया, मुक्ता प्रसाद को क्या किया, इन्होंने राज्य से निर्वासित कर दिया। इन चारों व्यक्तियों को, सत्यनारायण, मंगाराम वैद और लक्ष्मीदास, और इनकी वकालत करने वाले चौथे पर्सन मुक्ता प्रसाद, इनको क्या कर दिया गया, राज्य से निर्वासित कर दिया, राज्य से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। और जब इनको क्या राज्य से बाहर निकाल दिया गया, तो इसमें जो मंगाराम वैद थे, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मंगाराम वैद ने कलकत्ता जाकर कलकत्ता में बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना की। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी, तो बीकानेर प्रजा मंडल की जो स्थापना है वो मंगाराम वैद ने की थी, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना तक पकड़ पड़ा। आगे अब जब प्रजा मंडल की स्थापना हो गई, आगे क्या कार्यवाही हुई, क्या हुआ, इसके बारे में हम कल की क्लास में इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।